गजब के लोग हैं। ये सरकार जो आपने चुनी है, इसमें आपको बता दूं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो एक्चुअली में पहले ब्यूरोक्रेट थे, जयशंकर ही तो है उनको नाम, एस जयशंकर, वे 4 दिन की यात्रा पे यूके गए थे और वहां पर उनकी टीम में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और अब वे सब क्वारंटीन में हैं। हे प्रभु, जिस देश में सेकेंड म्यूटेंट ने तबाही मचाई थी, वो वहां की हालत ठीक हो गई, अब हमारे वाले जो हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें वहां जाने को किसने कहा था? आपको बता दूं कि इनकी एक मीटिंग थी कल डोमिनिक राब के साथ होनी थी, लेकिन अब वो वर्चुअली होगी। इन्होंने ट्वीट करके बताया है और लिखा है अपने ट्वीट में, वॉज मेड अवेयर येस्टरडे इवनिंग ऑफ एक्सपोजर टू पॉसिबल कोविड पॉजिटिव केसेज एज अ मेजर ऑफ अबंडेंट कॉशन एंड ऑल्सो आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स आई डिसाइडेड टू कंडक्ट माई एंगेजमेंट इन द वर्चुअल मोड दैट विल बी द केस विद द G7 मीटिंग टूडे एज वेल। आपको बता दूं कि ये बात कह रहे हैं कि आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कंसिडर करते हुए, मतलब दूसरों की चिंता करते हुए। और इन्होंने ही पहले कहा था कि चुनावों को भारत जैसे देश में बंद नहीं किया जा सकता। क्यों चुनावों को बंद नहीं कर सकते? क्योंकि महामारी का इस्तेमाल करके सत्ता में आना चाहते थे, मगर लोगों ने ऐसे डंडे मारे हैं, डंडे मार के, चपत मार के निकाला है हर जगह से। केवल असम में बचे हो और पुडुचेरी में सरकार गिरा के आए हो। लेकिन ये बीमारी को लेकर यूके जाना जरूरी था? बदनामी करनी जरूरी है कि अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हो, मीटिंग करने चल पड़े? अरे अपने देश को संभाल लो, अपने लोगों की जान बचा लो, उनके लिए भी आउट ऑफ कंसिडरेशन कर देते। यहाँ पे आउट ऑफ कंसिडरेशन नहीं, वहां पे आउट ऑफ कंसिडरेशन दिख रहा है। अरे वहां पे नहीं भी दिखाओगे तो वो बताएंगे ना तुम्हें।